सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रोजाना खाना इन हिंदी को और प्रेस कीजिए इस बेल को ताकि आपको हमारी हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोजाना खाना में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दोस्तों बनाने जा रही हूँ सिंघाड़े का आटा का बर्फी, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आता है और आप इसे रख के फ्रिज में 5 से 6 दिन तक बच्चों को खिला सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है और बहुत फायदा करता है बच्चों को, तो आप जरूर इस रेसिपी को एक बार ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम चलते हैं सिंघाड़ा का बर्फी बनाने के लिए। तो ये देखिए, हम घी डाल लिए हैं, देसी घी 2 बड़े चम्मच। ऐसे मेल्ट होने देते हैं और ये देखिए हमारा घी मेल्ट हो चुका है। तो हम इसमें सिंघाड़ा का आटा लिए हैं 200 ग्राम, इसमें हम डाल लेंगे। ऐसे मीडियम फ्लेम पे हम 5 मिनट तक भूनेंगे, सुनहरा होने तक। ऐसे हमें चलाते हुए भूनना है। सिंघाड़ा के आटा में से बहुत ही अच्छा खुशबू आने लगेगा जब भून जाएगा तब। ऐसे में ज्यादा नहीं, 4 से 5 मिनट में ये खुशबू आना स्टार्ट कर लेगा। और ये देखिए हमारा सिंघाड़ा का आटा भून के रेडी है। तो हम गैस को ऑफ कर लेते हैं, ऐसे ठंडा कर लेते हैं। और ये देखिए हम एक पैन चढ़ाएंगे और इसमें हम दूध डालेंगे 1 गिलास। ये टोंड दूध हम डाले हैं, आप चाहें तो फुल क्रीम में भी बना सकते हैं। और इसी में डालेंगे हम चीनी 150 ग्राम, इसका हम चाशनी बनाएंगे। और इसी में डालेंगे 1 पिंच इलायची का पाउडर। चीनी को हमें मेल्ट कर लेना है और चीनी हमारा ये देखिए मेल्ट हो चुका है। तो हम यहाँ पे काजू और बादाम का पाउडर बना लिए हैं, 100 ग्राम काजू और बादाम का पाउडर हम इसी में ऐड कर रहे हैं। और जो हम सिंघाड़ा का आटा को भून के रखे हैं उसे हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। ये देखिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसे हमें अच्छे से मिक्स करते हुए 3 मिनट से 4 मिनट पकाना है, ज्यादा देर नहीं पकाना है। ये देखिए इस तरीके से मिक्स कीजिएगा, बिल्कुल गुठलियाँ नहीं बनेगा। सिंघाड़े के आटा में बहुत जल्द गुठली बनता है, तो आप इसे जल्दी जल्दी चलाएं। और ये देखिए 4 मिनट के बाद में इस तरह से हो गया है, हलवा जैसा हम बनाते हैं उस तरीके का हो गया है। तो हम गैस को बंद कर लेते हैं। ऐसे मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाना है बर्फी। और ये देखिए हम एक थाली में 1 चम्मच घी डाल लिए हैं, ऐसे हमें अच्छे से ग्रीस कर लेना है। और जो सिंघाड़ा के आटा का हम हलवा बना के रखे हैं उसे हम थाली में डाल लेंगे। एक कटोरी में हम थोड़ा सा पानी ले लिए हैं, हाथों में लगा लेंगे। और लगाने के बाद में जो हमारा मिश्रण है सिंघाड़े के आटा का, गर्म में ही इसे हमें अच्छे से बराबर कर लेना है, इसे ठंडा ना होने दें। और ये देखिए पानी लगा के हम हल्का से इसे चिकना कर लेंगे बिल्कुल। सिंघाड़ा का आटा जो होता है वो बहुत जल्द सूखता है, तो इसे हम 10 मिनट छोड़ेंगे खुले हवा में, उसके बाद हम फ्रिज में रखेंगे आधा घंटा, उसके बाद मैं आपको काट के दिखाती हूँ। और ये देखिए हम सिंघाड़ा का हलवा को ठंडा कर चुके हैं। ऐसे हम जैसा शेप आपको पसंद हो वैसा शेप में इसे कट कर लें। मैं इसे बर्फी शेप में कट करूंगी। तो बर्फी शेप के लिए हमें तिरछे में कट लगाना होगा। और इसे सावधानी से निकाल निकाल के और प्लेट में रखते जाएंगे। आप इसे जितना देर के लिए फ्रिज में रखेंगे उतना ही अच्छा ये निकलेगा। मैं थोड़ा जल्दी निकाल ली थी आपको दिखाने के लिए। और आप इसे कोई भी ड्राई फ्रूट से गार्निश करके इसे सर्व कर सकते हैं बच्चों को। ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है, इसमें ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ है तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। ऊपर से मैं इस तरीके से बच्चों को अच्छा लगने के लिए मैं बना रही हूँ। और ये देखिए हमारा सिंघाड़ा का बर्फी बन के रेडी है। सिंघाड़ा के आटा आपको आसानी से मिल जाएगा शॉप पे और आप इसे ला के बना सकते हैं और बच्चों को खिला सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है। अगर आपको दोस्तों हमारी ये सिंघाड़ा का बर्फी का बनाने का तरीका पसंद आए तो इसके नीचे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का आइकन है
उसे जरूर क्लिक करें। और अब हम मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खाते रहें और मुस्कुराते रहें।